हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही चिकन पॉपकॉर्न बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हो। तो चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉनलेस चिकन लिया है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में ये कटा हुआ है, बिल्कुल इसी साइज का चाहिए। और इधर मैंने कुछ मसाला लिया है। तो सबसे पहले तो पानी लिया है मैंने, विनेगर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जिंजर पाउडर है, ये मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था तो मैंने गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट तैयार कर लिया है, ब्लैक पेपर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, नमक, मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन पॉपकॉर्न, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन पॉपकॉर्न बनाना। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसमें थोड़ा सा ये तीखी वाली नमक, बस टेस्ट के अनुसार डालना है इसमें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट है, मेरे पास पाउडर नहीं था गार्लिक का इसलिए मैं पेस्ट तैयार कर ली हूँ थोड़ा सा। अब इसमें मैं विनेगर डालूंगी, बस एक चम्मच। मैंने विनेगर इसमें डाल दिया है एक चम्मच, तो एक चम्मच विनेगर डाला है तो इसी से तीन चम्मच पानी डाल के इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करके इसे आप कम से कम 10 मिनट के लिए एकदम मिक्स करके अच्छे से इसे छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे से चिकन के अंदर नमक मिर्च पाउडर सारा चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छा चिकन पॉपकॉर्न आपका बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे मैं साइड करती हूँ, तब तक इसका सूखा पाउडर तैयार करते हैं। तो चलिए चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्राई पाउडर तैयार करते हैं, जिसमें मैं चिकन को डिप करके तलूंगी। तो एक चम्मच मैदा, आधा चम्मच, एक आधा लिया है मैंने मैदा, एक और एक आधा मैंने कॉर्नफ्लोर भी लिया है, ये तीखी वाली मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक पेपर से। ये नमक स्वाद अनुसार, बस इसे हल्का सा मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो लीजिए ये हमारा ड्राई पाउडर तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसे मैं साइड करती हूँ। तो चलिए ये हमारा चिकन मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुका था, तो इसमें मैं ये बचा हुआ कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और एक चम्मच भर के मैदा, ये कश्मीरी लाल मिर्च बचा हुआ, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाल चुकी हूँ,
थोड़ा सा और ब्लैक पेपर, बस इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये लीजिए हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छे से मिक्स होके तैयार हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन पॉपकॉर्न। तो ये लीजिए जो मैंने ड्राई पाउडर तैयार किया था ये इधर है, और चिकन मेरा मैरिनेट किया हुआ इधर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन पॉपकॉर्न। तो इस तरह से एक एक चिकन का पीस लेके बिल्कुल इस तरीके से, ये जो ड्राई है ना इसमें ऐसे बिल्कुल दबा दबा के, जो एक्स्ट्रा होगा उसे बस अपने हाथों से इस तरीके से निकाल लेना, डस्ट कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से। देख सकते हो कितने अच्छे से तैयार हो गए। तो इसी तरीके से मैं फटाफट कर लेती हूँ। सिरका डालने से बहुत ही अच्छे से चिकन अंदर तक गल जाता है गाइस। और इसे आप इस तरीके से करके आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से करके। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर मैंने सारे चिकन को आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मैदे का पूरा पाउडर अच्छे से चिपका दिया है। और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में 2-3 दिन के लिए, बहुत ही अच्छे से स्टोर होगा। जब कोई आपके यहाँ गेस्ट आए तो उन्हें आप तल कर खिला सकते हो। तो चलिए कढ़ाई में तेल डालते हैं सबसे पहले तलने के लिए। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए इसे डालते हैं। गैस को सिम पे ही रखना है, पहले हाई फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म करेंगे फिर सिम पे कर देंगे। जितना जा सके उतना ही डालना है, हर साइड से इसे अच्छे से तल लेना है। बिल्कुल इसे उलट पलट के अच्छे से सभी साइड से अच्छे से पकाना है। तो चलिए ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसे तल लिया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं और जो बचा हुआ इसे तल लेती हूँ, आवाज सुन सकते हो। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारा तल लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। लीजिए
चिकन पॉपकॉर्न मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दिया मैंने। इसमें अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालते हैं, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा आएगा। इसे हल्का सा टोस्ट कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और आप देख सकते हो कि इतना अच्छे से तैयार हो चुके। तो लीजिए, मैंने चिकन पॉपकॉर्न तैयार कर लिया है। जब भी बच्चे बाहर खाने की जिद करें तो उन्हें घर में बना कर दें। बहुत ही आसान तरीके से चिकन पॉपकॉर्न घर में बन जाता है। तो चलिए इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने चिली सॉस लिया है, टमाटो केचप लिया है, और ये है चिकन पॉपकॉर्न। बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा ये। जब भी मन करे घर में बनाइए और अपने बच्चों को इसी तरीके से खिलाइए। तो लीजिए, घर का बना चिकन पॉपकॉर्न तैयार है, टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चिली सॉस है, और ये प्लेट भर के चिकन पॉपकॉर्न। इंजॉय कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाएगा। जब भी बच्चे जिद करें उन्हें बनाकर खिला दीजिए घर में झटपट से। तो आपको मेरा यह रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।